Ashar Bhutne from SS Markapur and delivering you the lecture on the topic of units. Okay, so different unit systems. Okay, in last lecture we learn about unit. What is in my unit? Okay, then we learn about reference standard. Then different classification of unit. That is what is in my fundamental unit and what is in my derived. In this lecture, then after that we learn about requirements of unit. Okay. In this lecture, we are going to learn about requirements of good unit. Okay, so let's see requirements of good unit. अच्छे unit के requirements क्या होते हैं? ये हमने पिछले lecture में देखा. अब इस lecture में हम unit system के बारे में जानेंगे. Okay, देखो system क्या है? तो कोई भी चीज़ की अगर system किस तरह से बनती है? Okay, उसके system कोई भी system उसके elements से बनती है. अगर हम system of unit बोलते हैं, तो क्या हम बोलेंगे कि ये unit के system है? अब यूनिट कौन से टाइप के हैं? फंडामेंटल और डिराइव्ड. कोई भी जो यूनिट सिस्टम है वो उसके फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से बनती है. ओके, अब देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से एक यूनिट सिस्टम बनती है. अब जनरली सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन वाले हम क्वांटिटीज़ के बारे में देखेंगे और उनकी यूनिट से बनने वाले सिस्टम्स के बारे में देखेंगे. ओके चलो, तो अब क्या हुआ, शाम सुबह उठा, एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, उसके ऊपर से आपको समझ में आ जाएगी यूनिट सिस्टम किसे कहते हैं. ओके, अब देखो क्या हुआ, शाम सुबह जल्दी उठ गया. ओके, मम्मी ने उसको उठा दिया. ओके, वैसे तो 8-9 बजे पहले उठता नहीं. ओके, लेकिन मम्मी ने शाम को 7 बजे उठा दिया. उन्होंने देख के बोला, अरे मम्मी 7 ही बजे, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, 5 दस कुछ नहीं, 5 मिनट 5 मिनट बोल के 1 घंटा ले रहे थे और उठा दे उसके जबरदस्ती. जा बोले बाजार जाकर सब्जी लेकर आ. ओके, अब क्या हुआ, शाम घर से शाम ने टाइम देखा, सबसे पहले टाइम क्या, वो जल्दी से तैयार हो गया. ओके, 15 मिनट में फिर वो बाजार में सब्जी लाने चला गया. ओके, अब शाम ने बोला कि अरे भाई बाजार तो यहाँ से 2 मील दूर है. ओके, 2 मील मैं तो कुछ पैदल जाने वाला नहीं हूँ, मम्मी गाड़ी के अंदर मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए. ओके, मैं गाड़ी लेके जाऊँगा. ओके, क्योंकि 2 मील मैं पैदल नहीं जाने वाला. ओके, तो शाम गाड़ी लेके गया, उसने 1 किलो टमाटर और 2 किलो प्याज लेकर वो रिटर्न आ गया. ओके, टमाटर की सब्जी खानी थी तो 1 किलो टमाटर 2 किलो प्याज लेकर वो वापस आ गए. ओके, अब इसमें हमने देखा कि जनरली जो राम का रूटीन है लगभग सभी लोगों का इसी तरह से रूटीन है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में. ओके, अगर आप इंडिया के बाहर भी चले जाए तो जनरली लोगों का जो लाइफ का रूटीन है वो इसी तरह से होता है. ये जनरल रूटीन है, पूरी दुनिया का जनरल रूटीन है. ओके, हमें डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादातर 3 क्वांटिटीज इस्तेमाल करनी होती है. ओके, टाइम, जैसे सुबह उसके उसने टाइम मेजर किया, लेंथ डिस्टेंस मेजर कर दिया, और मास, जैसे उसने 1 किलो टमाटर लाया, 1 किलोग्राम टमाटर लाया, 2 किलोग्राम प्याज लाया. ओके, इस तरह से. सो लेंथ, मास, टाइम, ये हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्वांटिटीज़ हैं. बाकी जो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं वो भी इन क्वांटिटीज़ के ऊपर से हम डिराइव कर सकते हैं. ओके, क्या हम इस तरह से कहेंगे? ओके, कैन यू से दैट? नाउ लुक एट दिस. ओके, अब क्या हुआ कि हर एक रीजन में, जैसे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम आप फॉरेन चले जाओ, वहाँ पे 3 क्वांटिटी मेजर करनी है. लेकिन ज़रूरी है क्या ये तीनों क्वांटिटी सेम इसमें मेजर करेंगे? जैसे टाइम उसने देखा अब अपने 7 बजे मुझे 1 घंटा और सोना है, उसने टाइम का मेजर किया था घंटे में, मतलब आर में. ओके, टाइम का मेजर किया था हमने आर. ओके, सो टाइम. ओके, देखो लेंथ. ओके, टाइम मेजर की उसने माइल में. ओके, लेंथ, मास, टाइम मेजर किया. ओके, किलोग्राम. ओके, और टाइम मेजर का मेजर किया उसने आर. क्या मैं कहूँगा ये किसने मेजरमेंट की? सामने मेजरमेंट की. अगर उसे यूनिट सिस्टम बनानी है उसकी इधर की, तो शायद उसके यहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला है. अगर उसे इसकी रिलेटेड यूनिट सिस्टम बनानी है तो उसे क्या करना है, सबसे पहले जो इसकी भी यूनिट सिस्टम बना रहा है उसका पहले लेटर ले लेना और यूनिट सिस्टम बना लेना. देखो यूनिट सिस्टम को डिफाइन करना कितना आसान होता है. ओके, जैसे माइल, किलोग्राम एंड आर. ओके, इसका एम के एच. ओके, अब ये हो गए राम के सिस्टम. एम के एच सिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे?
इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ इज मेजर इन माइल, मास इज मेजर इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर इन आवर. सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एमकेएच सिस्टम. लेंथ का मेजर की सामने माइल में, मास का मेजर किया किलोग्राम में और टाइम का मेजर किया आवर एमकेएच. ओके, अब देखो इसी तरह की बहुत सारी पॉपुलर सिस्टम. ओके, तो सबसे पॉपुलर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे. ओके, वो थी इंडियन सिस्टम, क्योंकि लगभग इंडिया ऐसी कंट्री थी अपना भारत. ओके, मेरा भारत महा इस तरह का देश था, उसने लगभग सभी देशों से व्यापार किया. ओके, हम लोग जनरली सारी कंट्री से ट्रेड करते थे, तो इस ट्रेड में हम लोग लेंथ मेजर करते थे मीटर में. लेंथ का मेजर करते थे हम लोग मीटर में. ओके, देन मास का मेजर करते थे हम लोग किलोग्राम और टाइम का मेजर करते थे सेकंड. ओके, अभी जनरली हम इस्तेमाल करते थे. अब इसलिए एक सिस्टम बहुत पॉपुलर हो गई थी, वो थी पहला लेटर इसका, दूसरा इसका, एम के एस सिस्टम. ओके, ये बहुत पॉपुलर सिस्टम हो गई थी, इसे कहते थे एम के सिस्टम. क्या कहते थे? एम के सिस्टम. अब एम के सिस्टम को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर इन मीटर, मास इज मेजर इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर इन सेकंड. सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एम के एस सिस्टम. ये बहुत पॉपुलर सिस्टम थी. ओके, इंडियन लोग बहुत स्पेसिफिक थे, ये बड़ी चीजों के लिए मीटर. अब देखो, अगर सर्कल की रेडियस मेजर करें तो मीटर में थोड़े ना मेजर करेंगे. सर्कल की रेडियस का मेजर करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में. तो ओके, ये हो गया सेंटीमीटर में. मास, अब जैसे हम लोग तो टमाटर कांदे, तो हम आलू बटाटा हम लोग लेके आएंगे एक किलोग्राम दो किलोग्राम में. कोई सुनार की दुकान में जाने के बाद में ये भाव पूछता है, क्या भाव दिया सोना? ओके, क्या किलो दिया? नहीं, स्मॉल क्वांटिटीज के लिए हम स्मॉल यूनिट मेजर करते थे. यहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे? ग्राम. ओके, यहाँ मेजर करेंगे ग्राम. और टाइम मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? छोटा सेकंड यूज करते हैं. तो और एक सिस्टम पॉपुलर थी जो कि स्मॉलर यूनिट्स मेजर करने के काम में आती थी, वो थी इसका पहला लेटर. ओके, इसका पहला लेटर सी, इसका पहला लेटर सी, इसका पहला लेटर सी. CGS system is one of the most popular system. Okay, in this system of unit, length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. Such a system is called CGS system. This is also one of the most popular system. Then our third system. Third system. Okay, अब देखो, तीसरा एक देश था गोरे लोगों का. Okay. तुमको डुबना लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा वन. लगभग इन्होंने सारी कंट्रीज के ऊपर, लगभग सारी कंट्री के ऊपर हुकूमत ये करती और वो शासक थे. तो कैन यू से दैट उनकी सिस्टम भी पॉपुलर हो गई? ऑब्वियसली, अगर वो रूल कर रहे हैं तो उनकी सिस्टम पॉपुलर होने वाली है. वो सिस्टम, वो लेंथ मेजर करते थे फुट में, मास मेजर करते थे पाउंड में और टाइम मेजर करते थे सेकंड. तो वो एक सिस्टम पॉपुलर हो गई थी, वो थी फुट, पाउंड और सेकंड. तो थर्ड पॉपुलर सिस्टम थी एफपीएस सिस्टम. कैन यू से दैट इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर इन फुट, मास इज मेजर इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर इन सेकंड. सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम. ओके, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम. ओके, समझ में आ गया? एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम. और एक यूनिट सिस्टम है, एसआई सिस्टम को इमेजिन क्यों करना पड़ा, क्या है, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस कंसेप्ट? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी और कॉन्टैक्ट मी. ओके, थैंक यू.